तो यहाँ पे हमारी फिल्म स्क्रीन हो रही है वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, रिलीज हुई थी 2010 में और मैंने एक्चुअली एक हफ्ते पहले देखी फिल्म एंड ऑब्वियसली ऑडियंस ने यहाँ फिल्म देखी है. आई सॉ इट आफ्टर 8 ईयर्स, तो एक थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिक फील भी है. और आज ये जागरण फिल्म फेस्टिवल में हम फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जस्ट रीविजिटिंग जो अच्छी चीज़ें हैं फिल्म के बारे में, उस वक्त क्या एक्सेप्टेंस थी ऑडियंस की, क्रिटिक्स की, क्या ऑडियंस ने पसंद किया था. मैं जानना चाहता हूँ फिर से एक तरह से यहाँ की ऑडियंस से क्या पसंद करते हैं 8 साल के बाद. इज़ इट स्टिल एज रेलिवेंट एज इट वॉज 8 ईयर्स बिफोर? तो बस ये चीज़ है. यू हैव टू हैव सम फन. ये पर्टिकुलर फिल्म नहीं कहूँगा गैंगस्टर, लेकिन अगर इस जॉनर की फिल्म में इसमें कुछ नया मिले मुझे, क्योंकि इस जॉनर में एक बहुत ही ट्रिकी बात यह है कि इन फिल्मों ने एक तरह से एक मकाम बना लिया है. दे हैव बीन माइलस्टोन्स अपार्ट फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, दूसरी फिल्में भी हैं. अगर मुझे एक स्क्रिप्ट मिली, इट हैज़ टू समवेयर बी मच बेटर, इट हैज़ बी मोर इवॉल्व वर्जन, एंड जो कैरेक्टर प्ले करूँगा इट हैज़ बी अ कम्प्लीट डिपार्चर फ्रॉम वॉट शोएब वॉज इन वंस अपॉन अ टाइम मुंबई. तो इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, ऑन द डायरेक्टर, ऑन द